नमस्कार, मैं हूं अनुराग मुदगल। एजुकेशन रिवॉल्यूशन में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। वैसे तो मेरा मूल विषय विज्ञान है, जो मैं अपर प्राइमरी क्लासेस में लेता हूं, लेकिन पिछले कुछ समय से मुझे कक्षा एक में भी जाने का अवसर मिला। भाषा शिक्षण के शिक्षक हालांकि बच्चों को अलग अलग तरीके से शिक्षण करवाते हैं, और कुछ बच्चे मात्राओं तक पहुँचे हैं, कुछ बच्चे कुछ पढ़ पाते हैं, तो मुझे लगा कि मुझे उन बच्चों के लिए, जो बच्चे अभी वर्ण पहचान भी नहीं कर पा रहे हैं या अपने कक्षा स्तर से बहुत पीछे हैं, उनके लिए कुछ सहायता करनी चाहिए। तो उसी के अनुसरूप प्लान करके मैं कक्षा में गया और मुझे कक्षा में बहुत सारे विविध तरह के रंग देखने को मिले। शुरुआती थोड़ी सी योजना और बच्चों के साथ में बातचीत के बाद मुझे कक्षा में कुछ भी नहीं करना पड़ा। वे एक दूसरे से खुद ही सीख रहे थे और उन्होंने अपने आप क्लास को चलाया। और जो कहते हैं ना कि फैसिलिटेटर के रूप में शिक्षक होना चाहिए, उस रूप में मैंने बहुत ही सहज तरीके से मुझे कक्षा चलती हुई दिखाई दी। कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ कि वहाँ पर लर्निंग हो रही थी, जो कि हमारा मूल उद्देश्य होता है। ये क्या है? ये? पूरा क्या है? नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या लिखा है? अनार। क्या है ये बेटा? अमर। अमर, अमर। अच्छा, और ये बत्तख। ठीक। मुझे भाषा शिक्षण का हालांकि बहुत अधिक अनुभव नहीं रहा है, लेकिन इस कक्षा के अंदर मुझे विविध तरह के रंग देखने को मिले, जैसे समूह है, चलो छाया पढ़ो, इसको ऊपर क्या लिखा है? एकल लर्निंग, उंगली रख के पढ़ो। पीयर लर्निंग, अनुमान के आधार पर पढ़ना और समूह गतिविधियों के आधार पर सीखना। आइए आप भी देखिए। पूरा क्या लिखा है? हट पर चढ़, घर चल, हट मत कर। हाँ, ये वाला पढ़ेगा कौन? मैं। नहीं, छाया के अलावा। हाँ, आ जाओ, ये वाला पढ़ो। हाँ, ये पर जोर से बोलो। ये तो पूरा क्या लिखा है? ये वाले कौन पढ़ेंगे? हाँ बताओ, ये क्या है? वेरी गुड। हाँ पढ़ो एक बार, ये पूरा ऊपर वाला। एक साथ पढ़ना, ऐसे नहीं। वेरी गुड, ताली बजाओ एक बार। नहीं बोलेगा अभी, बोलो। Yeah.
छोटी कक्षाओं में पढ़ाना बड़ी कक्षाओं में पढ़ाने से हालांकि कई मायनों में अलग होता है, लेकिन कक्षा एक में बिताए गए मेरे ये दिन मुझे बहुत ही मज़ेदार लगे और बहुत ही रोचक लगे।